अच्छा एक चीज हम लोगों ने मिस कर दी थी, जब हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने मिस कर दी थी, उसके स्लाइड क्योंकि थी नहीं तो हम मिस कर गए। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग होती क्या है, जैसे आप लोगों ने सी में कभी प्रिंट यूज किए हो, आए यहाँ तक तो सी पढ़ के ही आए होंगे एक बार चेक। तो आप जब कुछ लिखते हो जैसे माई नेम इज, उसके बाद परसेंट एस लिखते हो, उसके बाद कॉमा दे के, फिर यहाँ पे जैसे मान लो कि कुछ वेरिएबल देते हो, मान लो एक जिसमें कि जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते हो माई नेम इज विक्रांत, लिख के प्रिंट हो जाता है। तो आखिरकार ये आप करते कैसे हो, तो इस चीज को वहां पे फॉर्मेटिंग कहते हैं, यहाँ पे उसके लिए अलग से फॉर्मेटिंग मेथड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने प्राइस एक कोई दे दिया 30 रुपए, ठीक है, अब मेरे को इसको प्रिंट कराना है, तो मेरे पास टेक्स्ट में मैंने लिखा, टेक्स्ट मैंने एक दिया, टेक्स्ट का मतलब कि माई प्राइस इज, माई प्राइस इज, ठीक है, उसके बाद ये इसका तरीका इतना डॉलर, ठीक है। अब इसके बाद हम जब इसको प्रिंट कराएंगे ना, ठीक है, प्रिंट कराएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट और प्राइस, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि टेक्स्ट में ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा रखे हैं उसकी जगह पे प्राइस प्रिंट कर देगा। अच्छा इसकी जरूरत क्या, मतलब फॉर्मेटिंग मैंने अभी इतनी मैंने गाथा लिख दी, इसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव ये होता है ना कि आपको जिस तरीके से आपको चीजें चाहिए, जैसे अब मैं किस तरीके से प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने चीजों को कि हाँ भाई माई, और मेरे पास वेरिएबल्स हैं और मैं उसको अपने हिसाब से प्रिंट कराना चाहता, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। अब मैं अगर इन टेक्स्ट ना लिख के सीधे प्रिंट प्राइस भी कर देता ना, तो मेरा प्राइस 30 प्रिंट होके आ जाता, लेकिन मुझे ऐसे तो दिखाना नहीं है किसी को, मुझे क्या करना है, मुझे उसको पूरा लिख के दिखाना है कि भाई देखो जो है ना मेरी प्राइस जो है वो इतना डॉलर की है, ठीक है, वो प्राइस 30 पैसा भी समझ सकता है, तो इसलिए मैंने डॉलर लिखा बाद में। और इसके लिए क्या होता है कि जहां पे भी आप जितना भी अभी लगाओगे उस हिसाब से ये यहाँ पे लेना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि मैं एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव है कि आप प्रिंटिंग को अपने अनुसार सुंदर बनाना, ठीक है, मतलब एक सुंदर देगा ना कि जिस तरीके से भी हम डिस्प्ले का आना चाहते हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं डिस्प्ले, वैसा डिस्प्ले है, ठीक है। तो चलो एक बार इसको करके देखते हैं। अब क्या होता है कि पहले हमने क्या प्राइस डिसाइड किया था, अपना प्राइस हमने डिसाइड किया था 30, मैंने एक टेक्स्ट लिखा था, चलो टेक्स्ट ही नाम से दे देते हैं, पूरा लिखेंगे हम, और टाइम है पास। टेक्स्ट में क्या था कि माई प्राइस इज, ये क्या था, कर्ली ब्रैकेट्स उसके बाद डॉलर, ठीक है, रुपए में क्यों जाए, ठीक, प्रिंट, उसके बाद क्या था हमारे पास टेक्स्ट में था सारी चीजें, टेक्स्ट में लिखा था और क्या था मेरे पास डॉट फॉर्मेटिंग करने की मुझे, तो पहला मेरे पास यहाँ क्या था, प्राइस ही है खाली, बस एक ही है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्राइस लिखूंगा, माय प्राइस इज 30 डॉलर, ठीक है। अब कहोगे सर 30 डॉलर और सेंट्स में भी तो होगा, डॉलर में ही थोड़ी आप बिकोगे, तो चलो एंड। और इसके बाद क्या करेंगे, फिर एक रूल बना देंगे हम, चलो सेंस भी कर देते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक चीज ध्यान देनी होती है कि यहाँ पे जो आप पहले लिखोगे, जो पहला वाला कर्ली ब्रैकेट था आपका, ठीक है, वो पहले यहाँ पे जो लिखोगे वो वहाँ पे प्रिंट होगा, यानी कि अगर मुझे अब यहाँ पे प्रिंट करना है सेंट्स की वैल्यू, तो हम ये पहले तो सेंट बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, सेंट बनाना पड़ेगा, सेंट हम लिख रहे हैं मान लो 23 सेंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन सेंट्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे सेंट लिख देंगे। अब देखो होता क्या है, जो पहला कर्ली ब्रैकेट है वो यहाँ का पहला वाला ले लेगा, जो दूसरा कर्ली ब्रैकेट है वो यहाँ पे दूसरा ले लेगा, अगर इसके आगे आपको तीसरा लगाते हो बीच में भी लिख देते हो तो वो आगे कॉमा दे के आप लिख दोगे, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो मेरा आएगा माई प्राइस इज 30 डॉलर 23 सेंट्स, ठीक है। तो जैसे सी में आप लोग प्रिंट आउट प्रिंट करके प्रिंट आउट करके करते थे, वो सेम तरीके से है, बस यहाँ पे तरीका बदल गया है, ठीक है।
अब एक चीज और आती है इसमें, इसमें क्या होता है ना, एक चीज और कर सकते हो आप इसमें ना इंडेक्सिंग दे सकते हो। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो है पहले वाले का क्या नाम, अगर मैं यहाँ पे देखो यहीं पे, अगर मैं यहाँ पे सब कुछ मान लो चल ही रहा है जैसे चल रहा है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि डॉलर, मान लो डॉलर लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंट्स। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मैंने इसको इंडेक्सिंग दे दी कि डॉलर है इसका और इसका क्या है सेंट है। तो अब अगर मैं आगे जाके, अगर मैं फॉर्मेटिंग में, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँ मैं कि यहाँ पे डिसाइड ना करके, यहाँ पे डिसाइड कर दिया था मैंने, तो यहाँ पे डिसाइड नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे सारी चीजें डिफाइन कर दूंगा। तो मैं प्राइस को लिखूंगा, प्राइस इज इक्वल टू, कितना है मेरा प्राइस था 30 था, और सेंट इज इक्वल टू 23 था। एक सेकेंड, सॉरी, डॉलर डॉलर इज इक्वल टू 30 और सेंट इज, मतलब यही इंडेक्सिंग यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ही डायरेक्ट आप कर सकते हो, माई प्राइस इज $30 एंड 23 सेंट, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, ये चीज भी आप कर सकते हो। कोई ऐसा मतलब होता नहीं है कि नहीं अब मेरे को पहले से ही कुछ लिखने की जरूरत है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। अब चलो, अब क्या और क्या कर सकते हैं आप, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहीं पे सब कुछ कर देंगे, ये जो देख रहे हो ना यहीं पे सब कुछ करेंगे। तो इसके लिए हम इसको पहले हटाते हैं, एक चीज पहले छोटे से चलते हैं ना, बड़े बड़े पे कहीं कूदे सीधे। अब यहाँ पे हम लोग गए, अब यहीं पे हम क्या करेंगे, चलो हम यहीं फॉर्मेट कर देते हैं इसको, बहुत हो गया। तो पहला क्या था हमारा, प्राइस हो गया। दूसरा क्या था हमारा, सेंट हो गया। अब यहाँ के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से प्राइस 30 और सेंट 23, ठीक है। यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, कुछ नहीं, तो हम पहले ही फॉर्मेट कर दिए, तो हम खाली टेक्स्ट ना प्रिंट करेंगे। लुक, माय प्राइस इज $30 एंड 23 सेंट्स। अब कहोगे सर आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आप चेंज कर देते हो, वही सेम चीज दिखा रहे हो, लो 24 कर दिया। तो माई प्राइस इज $30 एंड 24 सेंट्स। तो इस तरीके से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रिंट में ही जाके फॉर्मेटिंग करोगे, यहाँ पे भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो देखो दिक्कत क्या होती है ना, कि फॉर्मेटिंग अगर आप सिर्फ टेक्स्ट वाले फाइल पे ही करते हो, अगर मान लो आप यहाँ पे टेक्स्ट पे करते हो, ये पूरा टेक्स्ट ही उसी हिसाब से वो ले लेता है, ठीक है, टेक्स्ट ही पूरा वही बन जाता है। बाद में अगर आप उस टेक्स्ट में कुछ मतलब चेंज करना चाहते हो तो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, बाकी आप जैसा आपको समझ में आया वैसा आप करो, जो भी आपको प्रोसेस सही लगा हो उसको कर लेना, ठीक है। तो ये चीज है, समझ में आ रही बात। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक चीज आप और कर सकते हो, वो क्या चीज होती है, जो कि आप सी में करते थे। सी में आप करते क्या थे, सी में आप क्या करते थे कि जब भी आप परसेंटेज मान लो डी लिखते थे, तो उससे पहले आप परसेंटेज 5D कर सकते करते थे, ठीक है, 5D करते थे, 2.3F करते थे, ठीक है, कि मतलब 2 इंटीजर 3 डेसिमल। यहाँ क्या होता था, 5 डेसिम, मतलब 5 ही इंटीजर होने चाहिए, 5 ही, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, यही इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो।